बिहेवियल डिसऑर्डर्स बिहेवियल डिसऑर्डर्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि बिहेवियल जो है uh, कुछ प्रॉब्लम्स बिहेवियर और कंडक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट्स में अगर हों तो वो क्या हैं और किस तरह से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं बिहेवियल डिसऑर्डर्स बेसिकली जो है इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशन इन विच स्टूडेंट्स परफॉर्म इन अप्रोप्रिएट बिहेवियरल पैटर्नस तो इसमें जो मे बी इसको हम कंडक्ट मिसबिहेवियर भी कहते हैं और कंडक्ट डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं इसका मतलब ये है कि जैसे किसी भी बच्चे को जो है कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाएं या कोई इन्फॉर्मेशन्स दी जाएं तो आगे से वो रिएक्ट कैसे करता है और क्या वो इंस्ट्रक्शंस को इजीली फॉलो करता है या वो जो है आपकी बात जो है उसके ऊपर एक्टोपोन जो है वो इजीली करता है तो जब बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं जिन बच्चों को उसमें वो फॉलोअर्स आसानी से नहीं बनते उसके बाद जो है आपकी जो हैं या आपकी जो एक्शंस हैं उसको हमेशा वो बैडली रिएक्ट करते हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इस बच्चे का जो है वो बिहेवियरल इशू है रूडली बात करेंगे एग्रेसिवली आपके साथ बिहेव करेंगे अब चाहे कोई उसकी रीज़न बज़ाहिर नज़र ना आ रही हो लेकिन चूंकि उनके अंदर जो है वो एग्रेशन इतना ज़्यादा है कि हर बात जो है वो रिएक्ट इस तरह करते हैं इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की मेन जो हैं इसके फैक्टर्स जो हैं वो हेरिडिटी भी हो सकती है और इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं हेरिडिटी ये है कि आपकी जीन्स में ही एग्रेसिवनेस जो है अपने पेरेंट्स से लिया आपने और ऊपर से इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया तो वो डबल जब हो गया उस वजह से जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होना शुरू हो गए चिल्ड्रन के तो इसमें क्लास का अगर आप देखें तो क्लास में भी बच्चे टीचर्स के साथ जब मिसबिहेव करते हैं तो जो मैंने मेनली चीज़ें देखी और मेरी ऑब्ज़र्वेशन में ऐसे बच्चे घरों से निगलैक्टेड होते हैं इग्नोर्ड होते हैं एक तो ये चीज़ है और घर उसका क्लास में आके वो अपनी एग्रेशन जो है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं और टीचर्स अगर टीचर्स जो हैं अगर वो फेवरेटिज़म शो करते हैं क्लास के अंदर तो तब भी बच्चे एग्रेसिव होते हैं तब भी वो मिसबिहेव करते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारे साथ डिफरेंट स्लूक टीचर कर रहा है और दूसरे बच्चों के साथ जो है वो बिहेविंग uh, डिफरेंटली तो दैट कैन क्रिएट द बिहेवियरल प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स उसके बाद स्टूडेंट्स uh, की जब आप पर्सनली इंसल्ट करें क्लास में और या पनिशमेंट दें तो तब भी बच्चे के अंदर इग्रैशन पैदा होती है उसको uh, जो सोशल इंसल्ट और फील uh, होती है कि अपने क्लास फेलोज़ के सामने तो इस वजह से भी बच्चे मिसबिहेव करते हैं अभी जो पैटर्न्स और ट्रेंड्स मैंने देखे हैं ये आज से पिछले दस साल से बड़े मुख्तफ़ पैटर्न हैं बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बड़े ज़्यादा हैं एक तो पेरेंट्स जो हैं उस तरह से बच्चों को घरों में टेंशन नहीं देते पेरेंट्स इस वक्त इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग अब जब बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग तो चिल्ड्रन आर इगनोर्ड चिल्ड्रन दे आर गेटिंग देयर गाइडेंस एंड एडवाइस फ्रॉम इंटरनेट तो इंटरनेट से जिस किस्म की गाइडेंस भी उनको मिलती है उसमें आप यकीन कीजिए कभी आप जाके साइट्स पर देखें तो इतना ज़्यादा बच्चों का जो है वो माइंड ख़राब हो रहा है कि हम जो इस अपने रिलीजन की अगर बात करें तो हमें पेरेंट्स की जिस तरह से रिस्पेक्ट का हुक्म दिया गया है अब बच्चों को जब इस तरह की बात जब सुनाई जाए तो वो कहते हैं आगे से कि हम जो है हमारी पसंद के मुताबिक जो है वो आप बात करें आप अपनी हमारे ऊपर फोर्स कर रहे हैं हमें कोई काम करने के लिए तो वो जो रिस्पेक्ट का पैटर्न था वो जो पेरेंटिंग थी उसका स्टाइल चेंज हो गया है लेकिन हमारी जो दीन की बातें हैं ये तो ता तामत वही रहेंगी तो अब उस तरह की रिस्पेक्ट बच्चों में पैदा करनी और बिहेवियरल इश्यूज को रिजॉल्व करना जो है एक तो उसके लिए पेरेंटिंग डिफरेंट होनी चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के बहुत क्लोज़ होना चाहिए उनको मॉनिटर करना चाहिए कि वो जो 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 छः छः घंटे अपने कंप्यूटर्स पे और अपने मोबाइल्स पे बैठते हैं तो वो जो साइट्स उनको गाइड कर रही होती हैं टिकट जो है इस ये बिज़नेस बहुत बड़ा है लेकिन इसने बच्चों का जो अखलाक है जो बच्चों की एथिक्स हैं और मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको बहुत ख़राब किया है जिसकी वजह से ये बिहेवियल इशूज़ जो हैं वो आते हैं क्योंकि माँ बाप के साथ जो एक रिस्पेक्ट का एक रिलेशन है उसके बाद माँ बाप के बाद जो टीचर्स के साथ एक रिलेशन है उसकी इंपॉर्टेंस ही उनको नहीं पता वो उस लेवल तक अभी बच्चे पहुँचते ही नहीं हैं तो ये बिहेवियल इशूज़ जो हैं ये घरों से शुरू होते हैं निगलैक्टेड बच्चे इग्नोर्ड बच्चे सबसे पहले तो वो अपना बिहेवियल इशूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और क्लास में आके फिर ये बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं ये खुद भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और बाकी बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और मैंने मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाने हैं तो माँ बाप को खुद रोल मॉडल अच्छा होना चाहिए अगर माँ बाप चीख चीख के बात करने के आती हैं तो उनके बच्चों का बिहेवियर भी ऐसा ही होगा और उन्होंने देखा है कि माँ बाप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और सोसाइटी में भी जाके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको रिस्पेक्ट सिखाई ही नहीं है तो बहुत पेरेंट्स जो हैं इनको आपस की रिलेशनशिप जो है वो रिस्पेक्टफुल रखनी चाहिए बच्चे बड़े ऑब्जर्वर होते हैं वो आपको देख के फिर आपको ब्लैक मेलिंग भी करते हैं कि अब बाप को जाके कुछ बताएंगे माँ की बातें और माँ को जाके बाप की बातें बताएंगे और माँ बाप जो हैं इसको लाइट लेते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे हैं बट यू शुड नॉट क्रिएट अ लाइन बिटवीन पेरेंट्स एंड पेरेंट्स शुड गिव दैम द इक्वल रिस्पेक्ट क्राइटेरिया तो जब आप ये चीज़ें बच्चे को घरों से सिखाएंगे तो बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं और वो डिसऑर्डर्स तक बात जो है वो नहीं जाती लेकिन अगर बच्चों को आपने हालात के रहमोक्रम पे इंटरनेट के रहमोक्रम पे छोड़ दिया तो उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ और उनकी जो एथिक्स हैं और जो उनकी ट्रेनिंग है वो नहीं हो पाएगी आज वो दूसरे लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं कल वो आपके साथ भी बदतमीज़ी करेंगे क्योंकि हमने उनको बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाई नहीं है और ये जो पेरेंट्स अपने टीचर्स के पीछे अपने बच्चों के पीछे जाके टीचर्स से आर्गू करते हैं गलती आपके बच्चे की है इवन घर में अगर मेड्स भी हैं और आप अपनी मेड्स को डांट रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो ऑनेस्टली uh, स्पीकिंग बच्चे ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर मिस करते हैं इन सारी बातों को तो यू शुड क्लियरली टेल योर चिल्ड्रन टू फोकस ऑन द एथिकल रूल्स चाहे वो मेड्स के साथ बात कर रहे हैं अगर आप सिर्फ छोटी सी बात आप सिखा दें आप उनको कि यू शुड कॉल दैम आप तो ऑनेसली ये पहला जो एक स्टैंडर्ड है ये बच्चे सीखने के बाद जो है समझ लीजिए कि उनके अंदर सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक स्टार्ट हो जाती है